अंतरिक्ष दानों या बोले तो ब्लैक होल, इस नाम से तो आप लोग वाकिफ तो होंगे, लेकिन इसके नाम जितना ही सिंपल है ये ऑब्जेक्ट उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। 1971 ये वो साल था जब ब्लैक होल को सबसे पहली बार थियोरेटिकली डिस्कवर किया गया, और उस साल के बाद से ब्लैक होल के ऊपर कई सारे रिसर्च किए गए। साइंटिस्ट आते गए और नई नई डिस्कवरीज करते गए। उसी कुछ डिस्कवरी में से एक सवाल आता है कि ब्लैक होल के पास समय यानी टाइम धीरे या रुक क्यों जाता है। हेलो डी स्टोरीज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टीरियस टाइम ऑफ ब्लैक होल के बारे में। आखिर ब्लैक होल की दुनिया एक्चुअल में कैसी है, उसके अंदर का टाइम कैसा है, क्या अंतरिक्ष दानों यानी ब्लैक होल के अंदर क्या टाइम फॉरवर्ड बैकवर्ड करने की ताकत है, क्या इसके अंदर फ्यूचर और पास्ट में जाने का रास्ता है, या फिर हम इसके थ्रू किसी दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सबसे पहले ये ब्लैक होल होता क्या है और बनता कैसे है, मैंने ब्लैक होल के ऊपर एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने ब्लैक होल से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन और थ्योरीज को बताया है। आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन को क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से वीडियो को पूरा देख सकते हैं। मैं एक ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ कि ब्लैक होल एक स्टार का डेथ से बनता है। जब एक सुपर मैसिव स्टार का डेथ होता है तब उस स्टार के कोर कोलैप्स करके एक न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन करते हैं, नहीं तो स्टार का मास ज्यादा होने से वो कोर एक ब्लैक होल में बदल जाता है। तो ऐसा ही होता है एक ब्लैक होल का फॉर्मेशन। अब चलिए आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक में कि ब्लैक होल के पास टाइम रुक क्यों जाता है। एक्चुअली ब्लैक होल के पास टाइम नहीं रुकता, बस ये होल हमें एक इल्यूजन देता है जिससे हमें लगता है कि समय रुक गया है। बल्ले नहीं पड़ा कोई नहीं, इसको ऐसा समझो आप एक स्पेसशिप में बैठकर ब्लैक होल के पास गए और आप उसके इवन होराइजन के माध्यम से उस ब्लैक होल के अंदर बढ़ते चले जा रहे, और आपके लिए तो टाइम पृथ्वी में जैसा है वैसा ही लगेगा, लेकिन वही कोई आपको बाहर से ऑब्जर्व करेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि आप इवन होराइजन तक पहुंच कर रुक गए, जैसा कि आप वहीं पर फ्रीज हो गए। अब ये इवन होराइजन क्या है? इवन होराइजन ब्लैक होल के सर्कल के जो थर्ड बाउंड्री है ना, उसे ही इवन होराइजन कहते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, चलिए मैं बताता हूँ। बेसिकली ब्लैक होल बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट होता है, इसका मास हमारे सन से अरबों खरबों टन्स ज्यादा होता है। और यहाँ ध्यान देना, मैं सुपर मैसिव ब्लैक होल की बात कर रहा हूँ जो एक गैलेक्सी में एक या दो ही पाए जाते हैं। चलो अब इस बड़े ब्लैक होल को हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसमें से पहला एक्सेलरेशन डिस्क, इसमें मैटर एक डिस्क के शेप में लाइट की स्पीड से घूमते हैं। दूसरा फोटोन स्फीयर, जिसमें लाइट के पार्टिकल्स यानी फोटो पार्टिकल्स ब्लैक होल के अंदर तो नहीं जाते लेकिन ये पार्टिकल्स ब्लैक होल की अगल बगल में फैल जाते हैं और हमें एक स्फीयर के रूप में चमकते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा आता है इवेंट होराइजन, जिसमें अगर कोई भी इसमें कदम रख दे तो वो वापस बाहर नहीं आता, चाहे वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल क्यों ना कर रहा हो। हेंस इट्स अपीयर डार्क एट लास्ट। फोर्थ है सिंगुलैरिटी, ये ब्लैक होल के अंदर एक ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसके मास ग्रेविटी डेंसिटी सब इनफिनाइट होता है, और इसी के कारण ही हर एक चीज ब्लैक होल के पास होता है और वो सब इसके अंदर खींचे चले जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं तो ब्लैक होल के अंदर टाइम क्यों रुक जाता है उसके बारे में बात कर रहा था, फिर मैं ब्लैक होल के पार्ट्स क्यों बताने लगा। एक्चुअली होता क्या है, स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं वो सब का एक मास होता है, और वो अपने मास और ग्रेविटी से स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कर्व को क्रिएट करते हैं, चाहे बात आए हमारे अर्थ की या सन की, वो सब स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्व को क्रिएट करते हैं। बेसिकली स्पेस टाइम फैब्रिक फोर डायमेंशनल एंटिटी होता है, जिसमें तीन डायमेंशन स्पेस का होता है और एक डायमेंशन टाइम का। और जब इसी स्पेस टाइम फैब्रिक में जब एक ब्लैक होल जैसा हेवी ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो वो बहुत बड़ा एक कर्व को क्रिएट करता है, और कोई भी चीज जब इस कर्व के नजदीक जाती है वो इसके अंदर खींचा चला जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और जब आप ब्लैक होल के अंदर खींचे चले जा रहे हैं तब आपके लिए तो टाइम नॉर्मल शो हो रहा होता है, लेकिन बाहर जो ऑब्जर्वर था उसके लिए आप रुक गए थे, क्योंकि ब्लैक होल लाइट को इतना कर्व कर देता है जिससे लाइट रेड शिफ्ट शो करने लगता है। इसको ऐसा समझो जब हम किसी दूर गैलेक्सी या किसी ऑब्जेक्ट को टेलीस्कोप से फोटो खींचते हैं तो उसका फोटो रेड कलर का शो होता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कई करोड़ लाइट ईयर सालों से वो ट्रैवल कर रहा होता है, और इतने सालों में वो लाइट के पार्टिकल्स अपनी एनर्जी खो देते हैं इससे वो रेड कलर में बदल जाता है।
जिसे हम ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट कहते हैं। और ब्लैक होल अपने ग्रेविटी से लाइट को इतना बेंड कर देता है जिससे लाइट उस ग्रेविटी के कारण रेडशिफ्ट शो करने लगती है। मतलब जितना ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा रेडशिफ्ट। और ब्लैक होल के पास इसी कारण टाइम आपके पर्सपेक्टिव से रुक जाता है, क्योंकि लाइट कर्व होने के कारण रेडशिफ्ट शो कर रहा होता है। और जब लाइट को इस कर्व को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा डिस्टेंस को कवर करना होता है, तो इसी एक्स्ट्रा डिस्टेंस को फुलफिल करने के लिए टाइम स्लो हो जाता है, राइट? अब आपको शायद पूरा खेल समझ में आ गया हो क्यों ब्लैक होल के पास टाइम स्लो या रुक जाता है। सो गाइस, वीडियो तो यहाँ खत्म हो गई। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि अगर पिछले वाले ब्लैक होल के वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा ब्लैक होल के ऊपर। एंड गाइस, मैंने बनाया। एंड गाइस, अगर इसमें भी अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं एक और ब्लैक होल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जो काफी डीप बातें उसमें होंगी ब्लैक होल के बारे में। सो यहां तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। एंड गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जोर से ऑन कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।